हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सेंट माइकल्स एकेडमी ई लर्निंग क्लास। आई एम श्रीराम, टीचिंग यू अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 12। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सेशन में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हिडन गुडविल। सो क्या होता है ये हिडन गुडविल, लेट्स सी। हिडन एज द वर्ड सजेस्ट मींस हाइड है, छुपा हुआ है। इन द प्रीवियस वीडियोज हमने देखा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो ये है आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे हिडन गुडविल। सो क्या होता है हिडन गुडविल, लेट्स सी। सपोज देयर आर टू पार्टनर्स, पार्टनर ए एंड बी, and they are sharing profits and losses equally, you can say as 1:1, whatever. Now they admitted C as a new partner for 1/4 share. कितने share के लिए वो admit कर रहे हैं नए partner को, C को, for 1/4 share. C brings 2 lakh as his share of capital. And further information given है, capital of A and B is 1 lakh and 1,50,000 respectively। ये question में given रहेगा, क्या क्या questions में information given है। A and B are partners sharing profits and losses equally, that is 1:1. They admitted C as a new partner for 1/4 share. C brings 2 lakh as his share of कैपिटल। सी क्या कर रहा है, 2 lakh ला रहा है एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। एंड द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज 1 lakh एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पे जो न्यू पार्टनर है सी क्या है, जो न्यू पार्टनर है और उसके द्वारा जो कैपिटल लाया गया है दैट इज 2 lakh, इसको हम क्या करेंगे, 2 lakh को इसके शेयर्स को रेसिप्रोकेट करके हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो उससे हमें पता चल जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इट मींस इफ द न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर एंड ही इज ब्रिंगिंग 2 lakh एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, इट मींस द टोटल कैपिटल हमें पता चल जाएगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल कैपिटल यहां पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल कैपिटल दैट विल बी 2 lakh मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 lakh। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया। नाउ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर दैट इज ए एंड बी, वो क्या है, उसको हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। सो लेट्स सी, सो इन लोग के जो एग्जिस्टिंग हैं दैट इज 1 lakh एंड 1,50,000 एंड द पार्टनर न्यू पार्टनर सी, उसके द्वारा जो कैपिटल आ गया उस सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 4.5 4,50,000 is the total capital. So now 8 lakh minus 4,50,000 that will be 3,50,000. This is the goodwill. ये हो गया हमारा goodwill of the firm. So here we are driving the goodwill of the firm, that is 3,50,000. Now the new partner that you see, he will bring 1/4 of the total total goodwill of the firm, that is 3,50,000. It means सीज के शेयर को अगर हमें फाइंड आउट करना है कि सी कितना शेयर लेकर के आएगा, सो 3,50,000 1/4, ये कौन लेकर के आएगा, न्यू पार्टनर सी वो लेकर के आएगा। सो लेट्स सी, 87,500। ये किसका शेयर हो जाएगा, ये शेयर हो जाएगा सी का एज अ शेयर ऑफ गुडविल। सो माय डियर स्टूडेंट, हिडन गुडविल क्या हुआ, समझ में आ गया। तो हिडन गुडविल के लिए हमें क्या करना है, जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर के द्वारा जो भी कैपिटल लाया जाता है और जितने शेयर के लिए लाया जाता है, हम उसको क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकेट करते हैं। उसके रेसिप्रोकेट को करने के बाद हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता कर लेंगे और फिर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से एडजस्टेड कैपिटल जो पार्टनर्स लोग के होंगे इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स, उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देन वी विल गेट द गुडविल ऑफ द फर्म, हमें क्या मिल जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म। और जो गुडविल ऑफ द फर्म है उसमें जो न्यू पार्टनर है उसका क्या शेयर है, ये हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप सो स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया होगा। नाउ इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स सी। नाउ स्टूडेंट, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 फ्रॉम टीएस देवान 2019 एडिशन। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, लेट्स सी। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ रुपीज 3,20,000 एंड 2,40,000 रेस्पेक्टिवली। दो पार्टनर हैं, क्या नाम है, अनिल एंड सुनील, और इन लोगों का जो फिक्स कैपिटल है दैट इज गिवन एट रुपीज 3,20,000 एंड 2,40,000
जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हम फॉलो करेंगे इट मीन्स जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे वो हम किस चीज़ से करेंगे, करंट अकाउंट से करेंगे, ये आप याद रखेंगे। नाउ दे एडवोकेट चारू एज अ न्यू पार्टनर फॉर बॉम्बे फोर्थ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इन लोगों ने चारू को एज अ न्यू पार्टनर एडवोकेट किया फॉर बॉम्बे फोर्थ शेयर। ऑन 1st April 2012 चारू ब्रॉट 320,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल। और चारू क्या है, ये जो न्यू पार्टनर है इन्होंने 320,000 लाया है एज शेयर ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरेटिव। हमें क्या करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, जी हाँ, कैलकुलेट गुडविल और जर्नल एंट्री पास करना है। वेरी सिंपल माई डियर स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल। ये कौन से कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन है, हिडन गुडविल से। सो लेट्स सी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ चारू कैपिटल, यानी कि चारू के द्वारा जो कैपिटल लाया गया है उसके बेसिस पे हम टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म पता करते हैं। तो दैट इज 320,000 मल्टीप्लाइड फोर, दैट विल बी 1,280,000। सिंपल 1,280,000 दिस इज द कैपिटल ऑफ द फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म। नाउ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर, ऑल पार्टनर्स दैट इज इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, दैट विल बी गिवन 320,000 प्लस 240,000 प्लस 320,000 That will be 8,80,000. That will be 8,80,000. And when we deduct the adjusted capital from the total capital, then we will get 4,00,000. And this is the goodwill of the firm. ये क्या हो जाएगा हमारा goodwill of the firm? Okay. So this is our goodwill of the firm. Now, the goodwill of the firm is 4,00,000. So Charu's share, Charu's share of goodwill, because उसे केवल अपने शेयर, ये जो 4,00,000 है ये टोटल टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो चारू जो न्यू पार्टनर है और इनकमिंग पार्टनर है उसके क्या शेयर होंगे। तो दैट विल बी 4,00,000 वन अपॉन फोर द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर, दैट इज 1,00,000। यानी कि जो चारू का जो गुडविल में शेयर होगा, प्रीमियम होगा, दैट इज 1,00,000। दिस 1,00,000, ये जो 1,00,000 ब्रॉट इन लाना था किसे, चारू को, वो अब क्या होगा, वो गुडविल हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो इन दिस वेरी क्वेश्चन जब नहीं दिया है कि ये जो अनिल और सुनील है ये तो किस रेशियो में शेयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे थे, इट मीन्स हम अज्यूम करेंगे दैट इज 1:1। सो दिस गुडविल ये जो होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 1:1। सो जस्ट स्टूडेंट नोट इट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट्स। डन नाउ, सो अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सॉरी अब हम क्या करेंगे, गुडविल का दैट इज 4,00,000 टोटल गुडविल और चालू शेयर दैट इज 1,00,000, ये हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ द जर्नल एंट्री फॉर्मेट हम ड्रॉ कर लेंगे, फॉर्मेट के बाद हमें क्या जर्नल एंट्री होगा, लेट्स सी। सो सबसे पहले द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर चारू के द्वारा क्या किया गया है, कैपिटल ब्रॉट इन किया गया है। सो दैट द जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट दैट इज 3,20,000। द जर्नल एंट्री विल बी बीइंग द शेयर ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय चारू,
ये हमारा पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा। सेकेंड इसके जस्ट बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे वो किस चीज़ का करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल का करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पार्टनर है वो गुडविल लेकर के नहीं आए तो उसके हम कैपिटल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो चालू करेंट अकाउंट डेबिट, वाई करेंट अकाउंट, बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इट मींस द पार्टनर्स आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। सो दैट्स व्हाई व्हेन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड वी हैव टू एडजस्ट ऑल द एडजस्टमेंट थ्रू करेंट अकाउंट। सो चालू करेंट अकाउंट डेबिट टू अनिल्स करेंट अकाउंट टू सुनील्स करेंट अकाउंट। The current that is 1 lakh as we had calculated here, 1 lakh, and this will be distributed as 50,000 to the sacrificing partner, meaning the share of Charu's goodwill credited to sacrificing partner's current account. ओके स्टूडेंट, सो ये है हमारा एक क्वेश्चन जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41 फ्रॉम आवर टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन एंड द टॉपिक इज हिडन गुडविल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। जस्ट नोट इट डाउन एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन रेगुलर बेसिस। ओके सो टिल देन हैव अ गुड डे।